हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट। प्रत्येक दिन इसी तरह से आपको क्रैश कोर्स करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स, जो आपको बताएंगे प्रिज्म तथा प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। और जो क्वेश्चन का आंसर आप अगर जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर कहेंगे कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और एग्जाम में वो 100% मार्क्स करिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्रिज्म कम से कम कितने पृष्ठों से घिरा होता है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रिज्म कम से कम कितना पृष्ठ होता है, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, उसमें 3 पृष्ठ आप देखे होंगे। तो याद रखिएगा, प्रिज्म में कितना भी पृष्ठ हो सकता है, प्रिज्म में कितना भी पृष्ठ हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर बात करें तो 2 पृष्ठ होता है। याद रखिएगा, कम से कम कितना पृष्ठ होता है, तो 2 पृष्ठ होता है। कमेंट करके आप भी बताइएगा ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, प्रिज्म में कम से कम कितने पृष्ठ से घिरा रहता है, तो 2 पृष्ठों से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रिज्म में कितने पृष्ठ हो सकते हैं, एक प्रिज्म में कितने पृष्ठ हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि एक प्रिज्म में कम से कम 2 पृष्ठ होता है, और अधिक से अधिक कितना भी पृष्ठ कह सकते हैं, अधिक से अधिक कितना भी पृष्ठ कह सकते हैं, यानी कि अनेक पृष्ठ हो सकते हैं। देखिए, प्रिज्म इस तरह से भी बनता है, 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 बहुत प्रकार का प्रिज्म हो सकता है, इसमें बहुत सारे पृष्ठ हो सकते हैं, अनेक हम ऑप्शन में दे सकते हैं। याद रखिएगा, कम से कम 2 पृष्ठ होता है और अधिक से अधिक हम अनेक कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए, चाहे वो गलत हो या सही, हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विचलन कोण का सूत्र क्या होगा, विचलन कोण का सूत्र क्या होगा, बताइए। थर्ड ऑप्शन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड ऑप्शन में आंसर का क्या होगा, कमेंट करिए, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए, विचलन कोण का सूत्र जो होता है वो सी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, जो बच्चे कमेंट कर रहे होंगे सी उनका सही होगा। डेल्टा, विचलन कोण को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई जो होता है वो आपतन कोण होता है, ई जो होता है वो निर्गत कोण होता है, और ए जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है। तो याद रखिएगा, विचलन कोण का मान ये होता है आई प्लस ई माइनस कैपिटल ए। तो ये थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी था, कमेंट करके बताइए सभी क्वेश्चन का आंसर, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत, और इसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऑप्टिक्स जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इससे सेंटअप एग्जाम में 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। याद रखिएगा, सेंटअप एग्जाम में 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 1.5 से इस प्रकार अपवर्तित होता है कि आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर है, निर्गमन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 भाग है, विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, कमेंट करिए।
जिन बच्चों को अगर नहीं आ रहा होगा घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम लोग अगर विचलन कोण निकालना होगा तो हम लोग देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, गिवन कर लेते हैं, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई और माइनस ए होता है ना। कह रहे हैं कि निर्गमन कोण जो है प्रिज्म कोण का 3/4 भाग है। यहाँ पे देखिए आई और प्लस ई का जो मान है वो हम ई का मान क्या करते हैं बाबू, ए का 3/4 करते हैं और माइनस हम ए करते हैं। देखिए आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर है तो हम आई के जगह पर ए कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं आई के जगह पर ई कर लेते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, पहले ई इज इक्वल टू हम कर लेते हैं ए का 3/4 और चूंकि ए जो है बाबू समबाहु है, समबाहु प्रिज्म का जो कोण होता है वो प्रत्येक कोण 60° का होता है, हम करेंगे 60 × 3/4 15 × 4 = 60 और ये 15 × 3 = 45°। तो ये E का मान हो गया और I बराबर E दिया हुआ है तो I का मान भी हमारा 45° हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, तो बाबू I और E का मान 45 है तो 45 × 90° और माइनस A के जगह पर 60° करते हैं तो इस तरह से विचलन कोण जो होगा वो 30° हो जाएगा। हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल होता है सॉल्व करके बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको दिमाग में बैठ गया होगा। कॉन्सेप्ट को सीखना है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र क्या होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र क्या होगा, कमेंट करिए और बताइए क्या होगा, क्योंकि हम जो भी बताएंगे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, अगर नहीं आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र जो होता है वो डेल्टा इज इक्वल टू n-1 × a होता है। n जो होता है वो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है और a जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है। तो याद रखिएगा पतला प्रिज्म का अगर विचलन कोण पूछे तो हम कहेंगे डेल्टा इज इक्वल टू n-1 × a कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। इस वीडियो में टोटल हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए जाओ आप प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और इस वीडियो को अगर ध्यान से अगर देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा जो एग्जाम में आने वाला है वो आपको पकड़ा जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4° तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम लोग विचलन कोण का सूत्र पढ़े हैं, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 × a पढ़े हैं। n के जगह पर बाबू दिया हुआ है 1.5 और -1 और a के जगह पर प्रिज्म कोण दिया है 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0.5 × 4 करते हैं, पॉइंट काटते हैं ये 10 हो जाएगा, 5 × 10 ये 2 × 4 यानी कि हम देख रहे हैं कि ये 2° हो गया है ऑप्शन बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू 2°। इसलिए कमेंट करिए और बताइए कि आपका आंसर जो है 2° आया है कि नहीं, और इस तरह से सॉल्व करके ही हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ देता है, याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, इसलिए इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4° है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5।
चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण है बाबू, दिया है 4 डिग्री। डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस वन और इनटू ए पढ़ें, जैसे कि ये न्यूमेरिकल बताएं। डेल्टा के जगह पे 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन और ए के जगह पर बाबू प्रिज्म कोण ज्ञात करना है और एन दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मान भी रख लेते हैं 1.5 माइनस वन और इनटू ए कर लेते हैं, तो 4 बराबर इसको करते हैं तो बाबू 0.5 आएगा और इनटू ए कर लेते हैं, पॉइंट काटते हैं तो ये 10 × 5 × 10 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 8 डिग्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा ए आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर सॉल्व किए होंगे, अगर ए आया होगा तो हम समझते होंगे कि आपका प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया चल रहा है। इसी तरह से आप तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और बताइए, कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा बताइए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा बाबू, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू बाई साइन ए बाई टू होता है, बाकी में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन है ए, हम कर लेते हैं आंसर। n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू बाई साइन ए बाई टू। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और उसको क्लिक करते हैं, कलर करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ऐसे जो भी फॉर्मूला होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 60 डिग्री के कोण किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रकाश का वेग ज्ञात करना है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रिज्म कोण का 60 डिग्री के कोण के किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, ये डेल्टा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और ए का मान दिया है कितना 60 डिग्री, प्रिज्म कोण दिया हुआ है, कह रहा प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो बाबू हम निकाल लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस वन और इनटू ए कर लेते हैं। डेल्टा के जगह पर बाबू 30 करते हैं और ए यहाँ पे आएगा तो 60 और एन माइनस वन ये हो जाएगा 2, यानी कि 1/2, ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 और बाबू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये जाएगा प्लस इधर हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ये अपवर्तनांक का मान आ गया, याद रखिएगा n इज इक्वल टू 3/2 और आप जानते होंगे कि n इज इक्वल टू होता है c बाई भी, क्या होता है सी बाई भी, अगर हमें भी निकालना है तो हम सी बाई एन कर लेते हैं और सी के वैल्यू होता है 3×10⁸। प्रकाश का जो मान होता है वो 3×10⁸ होता है और एन के जगह पर बाबू 3/2 कर लेते हैं, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 कट जाएगा, यानी कि 2×10⁸। तो देखिए, इसमें 2×10⁸ ये दिया हुआ है, देखिए अप्रॉक्स 2.122 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 point something होता है, यह हम बी ऑप्शन कर लेते हैं। याद रखिए कि ये वैल्यू दिया है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ध्यान से कमेंट करिए और पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा और समझिएगा कि ये ऑनलाइन आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हम जब आपको समझा रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए किस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा सकता है।
देखिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बाबू, कमेंट करिए। इस घटना को क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, कौन क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र बताइए। कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र क्या होगा बताइए, कमेंट करिए। सही सही कमेंट करिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र क्या होगा। देखिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, तो थीटा तो दिया है सब में। और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किन्हीं दो रंगों के मध्य जो विचलन कोण होता है उस विचलन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। एन वी का मतलब होता है अपवर्तनांक, किसका, ये बैंगनी रंग का, और एनआर का मतलब होता है अपवर्तनांक, ये रेड कलर का, लाल रंग का। तो दो रंगों के बीच का जो अपवर्तनांक के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को ही हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। इसलिए थीटा बराबर एन वी माइनस एनआर इंटू ए। देखिए, ये जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है वो किसी भी दो रंगों की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि एन वी और एन आर ही लिखेंगे, किसी भी दो रंग की बात करते हैं। दो रंगों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं, चाहे वो कोई भी दो रंग हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर बताइए। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बताइए क्या होगा आंसर, ऑप्शन में कमेंट करिए और बताइए कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होगा। 12 का बताइए क्या आंसर होगा। और बार बार कहते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एज अ वो प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिए, कमेंट करिए। इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो स्टडी है वो कितना है, कितना अभी तक आप तैयारी किए हैं एग्जाम के लिए, वो पता चल जाएगा। तो किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण की क्षमता का सूत्र होता है बाबू, ये ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस वन होता है। याद रखिएगा, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है थीटा बाई, हम कर लेते हैं डेल्टा। याद रखिएगा, हम थीटा जो होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण ना, किसी भी दो रंगों के बीच में कोणीय वर्ण विक्षेपण, और न विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को W या ओमेगा से सूचित करते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा। अगर दोनों का मान अगर रखते हैं बाबू, तो एन वी माइनस एन आर और इंटू ए होता है, और बाई डेल्टा के जगह पर एन वाई माइनस वन और इनटू ए करते हैं, ए कट जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला बच जाएगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस वन। अब बताइए, इंद्रधनुष का निर्माण होता है किसके कारण बाबू, किसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, कमेंट करिए और बताइए कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो वर्ण विक्षेपण की घटना से बनता है। इंद्रधनुष किसके निर्माण से बनता है, वर्ण विक्षेपण की घटना से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ईमानदारी से इसका प्रैक्टिस सेट अगर करते होंगे तो आपको ये एग्जाम में आपको 100% हेल्प करेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, ताकि आपका एक नंबर भी कटे नहीं एग्जाम में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है बाबू, कमेंट करिए और बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है। याद रखिएगा, दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आपको बताना चाहेंगे कि इंद्रधनुष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तभी प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। कभी कभी पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी तथा आंतरिक किनारों पर रंग कौन सा होगा, तो याद रखिएगा बाहरी किनारों पर लाल रंग होता है और बाहरी किनारों पर बैंगनी रंग होता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष की पहचान होती है। कभी कभी रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जब बाहरी किनारों हम देखते हैं कि अगर लाल रंग होता है और नीचे वाला जो होता है वो बैंगनी होता है, तो इसका मतलब ये कि वो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण हुआ। तो आकाश में जो होता है कभी दो इंद्रधनुष बनते हैं, कभी एक इंद्रधनुष बनता है, तो जब एक इंद्रधनुष बनेगा तो लाल रंग ऊपर होगा और नीचे जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है, क्या होता है कमेंट करिए और बताइए द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है, कमेंट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। कब, खाली देखने से नहीं, उसको बताने से होगा, बताइएगा तब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। देखिए, दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितना पेज पलट रही हैं जी, लग रहा है कि नोट पलट रही हैं, लिख रही है तो खूब पूरा एकदम रिवीजन खूब हो रहा है ना। बच्चे कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, लिख लिए हैं तो पेज पलटाई हो रहा है, देखाई हो रहा है। चलिए, द्वितीयक इंद्रधनुष में होते हैं दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए होगा। द्वितीयक यानी कि दो, जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसमें दो बार अपवर्तन होता है और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। याद रखिएगा बाबू, दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब हम समझेंगे कि वह द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण हुआ। और कहेगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहरी तथा आंतरिक किनारों पर रंग क्रमशः होते हैं, कौन सा होता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि प्राथमिक में बाहर वाला लाल और अंदर वाला बैंगनी बना था, तो इसका ठीक, उसका ठीक इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या कहेंगे, बाहर वाला बैंगनी होता है और बाहर जो अंदर वाला होता है वो लाल रंग होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंगनी तथा लाल, डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राथमिक का ठीक इसमें उल्टा होता है, बाहर वाला जो होता है वो बैंगनी और अंदर वाला लाल हो जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और बताइए कमेंट करके। हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए और सही सही जवाब दीजिए और बताइए कि कौन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। परकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। देखिए, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको सबसे पहले लॉर्ड रेले ने दिया था ना, इसलिए इसे लॉर्ड रेले यानी कि रेले का तरंगदैर्ध्य बोल देते हैं। लॉर्ड रेले ने ही सबसे पहले बताया था कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, कमेंट करिए बताइए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस देखना है और बताना है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो कहेंगे अस्मारी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सो ऑप्शन क्या कहेंगे बाबू? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ऑप्शन बताइए फटाफट, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? अधिक तो जान गए कि आसमानी का होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। जो बच्चे ए बताएंगे उनका ये सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है ना, और आसमानी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग को खतरों के रूप में निशान के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि दूर से ही लाल रंग दिखाई दे दे। तो याद रखिएगा, जहाँ लाल रंग देखिएगा समझिए कि खतरा है ना, वो लाल रंग इसीलिए लगाया जाता है ताकि पता चले कि भैया आगे डेंजर है, खतरनाक है। तो चलिए, किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए 21 का आंसर क्या होगा। किस कारण जो होता है प्रकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का नीला दिखाई देने का मेन कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश दिखाई देता है। मान लेते हैं अगर पृथ्वी पे वायुमंडल न हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष से जब देखते हैं पृथ्वी को तो वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी के वायुमंडल अगर जहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो होगा वो काला दिखाई देगा। काला इसलिए दिखाई देगा क्योंकि कोई प्रकाश वहाँ पर प्रकीर्णन करेंगे नहीं। वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, वायु के कण होते हैं, जिसके कारण जब प्रकाश गुजरती है तो प्रकाश को वो प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण वो दिखाई देता है। लेकिन अगर वायु के कण होंगे ही नहीं तो कोई प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकीर्णन होगा नहीं तो वो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, किसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? किसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त जो होता है लाल दिखाई देता है? बताइए। हम ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। चारों ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आधे अधूरे पढ़ते हैं और आंसर देते हैं जो कि गलत कर लेते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होते हैं आकाश जो होता है, सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कारण बादल सामान्यतः सफ़ेद दिखाई देते हैं? बताइए, किस कारण बादल जो होते हैं सामान्यतः सफ़ेद दिखाई देते हैं? ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए, किस कारण बादल सामान्यतः सफ़ेद दिखाई देते हैं? याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिए, इसको पहले देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और उसके बाद ऑप्शन क्लिक करिए, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन कटे नहीं। तो देखिए, किस कारण बादल सामान्यतः सफ़ेद दिखाई देते हैं? तो कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, खतरे का निशान लाल रंग क्यों होते हैं? खतरे का निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? तो याद रखिएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है बहुत ही कम होता है। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? आप लोग कल से आइए 9 से 11 कल से आइए, ठीक है? कल हम मिलवा देंगे ऑब्जेक्टिव, उसको रख दीजिए, बाकी सब्जेक्टिव आप लोग रख करके छोड़ दीजिए, ठीक है? कल उसको ऑब्जेक्टिव ले करके आइए, कल मिलवा देंगे, ठीक है?
चलिए, खतरे का निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है। लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण ही खतरे का निशान जो होता है हम लोग लाल रंग यूज करते हैं, क्योंकि वो दूर से दिखाई देता है। यहीं पर रखिए ना, हम रख लेंगे। खुश रहिए। दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है। तो हम ऑप्शन क्या कर लेते हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, क्या कहेंगे? उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, कुछ बच्चे जो हैं हमारे यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, सब्जेक्टिव जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम में जैसे कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऑफलाइन आकर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ईमानदारी से करते हैं, और जो भी क्वेश्चन लिखते हैं वो 100% रोज का वही हाल है। चूँकि हम लोग ये एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट करवाते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन भी आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, एज अ क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रैक्टिस सेट कब मजा देगा, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ध्यान से अगर कर लेते हैं, ईमानदारी से कर लेते हैं, तो आपका फिजिक्स में एक नंबर भी कटेगा नहीं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि न ढंग से देखें वीडियो को, न ढंग से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो लिख करके प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबू क्वेश्चन पढ़िए और उसको कमेंट करिए, कमेंट करके आप सीखिएगा ज़्यादा, कमेंट नहीं करिएगा तो सीखिएगा ज़्यादा नहीं। याद रखिएगा, कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर करके रोज जाते हैं, और हर साल बच्चे हमारे यहाँ से टॉप करते हैं। यही कारण है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, देखने से कोई फायदा नहीं होगा, परफेक्ट होइएगा, तेज बनिएगा कब, जब आप प्रैक्टिस ईमानदारी से करिएगा, तब, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ईमानदारी से आकर के रोज लिखिए, प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे कहीं के भी बच्चे हों, चाहे ऑनलाइन हमसे जुड़ करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन जुड़ करके पढ़ें, वो हमेशा एग्जाम में टॉप करें, हम लोग का यही मकसद है। चाहे आप लोग हम लोग को हेल्प करें या ना करें, हम लोग क्या चाहते हैं बच्चों से, एक लाइक चाहते हैं और एक सब्सक्राइब चाहते हैं। अगर बच्चे सब्सक्राइब कर दिए तो बहुत खुश होते हैं हम लोग, चलिए हमारे जो बच्चे हैं वो चाहने वाले हैं, लाइक करते हैं वीडियो देख करके, तो और हमें उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई बच्चे चाहते हैं इस ऐसे वीडियो को, और हम बच्चों को उत्प्रेरित करें कि जाए अधिक से अधिक इस वीडियो को बनाएं, बच्चों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता के वो एग्जाम का तैयारी करें। ये हम लोग का मेन मोटो होता है। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि जो टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो उनका वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो। हम लोग वीडियो बना रहे हैं सिर्फ बच्चों को फायदे के लिए, ताकि बच्चा को अधिक से अधिक फायदा मिले। तो चलिए, हम बात कर रहे थे जो हमारे आंखों में बाबू लेंस होता है, उस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? तो देखिए, हम लोग निकट, जो हम लोग सबसे कम दूरी पर देखते हैं वो होता है निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर। क्या होता है हमारा निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और 25 सेंटीमीटर पी बराबर आप जानते हैं 1/f होता है, और 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करते हैं तो बाबू 25 × 100 ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो सामान्य आँख के लिए जो समंजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होता है। जैसे कि हम अपनी आँखों से देखते हैं किसी वस्तु को, तो हमारी आँख की क्षमता होता है 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28, निकट दृष्टि दोष में होता है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि क्या होगा निकट दृष्टि दोष में होता है। देखिए, निकट मतलब नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है ना, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। देखिए,
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन होगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 29, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है बताइए? 29 का आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होगा बाबू? कमेंट करिए और बताइए, कमेंट करिए। नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष का मेन कारण है नेत्र गोलक में वृद्धि। जो हमारा नेत्र गोलक होता है उसकी अगर वृद्धि हो जाती है तो हम क्या होता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, नज़दीक की वस्तु को ही सिर्फ देख पाते हैं, जिसे हम बोल देते हैं निकट दृष्टि दोष। अब सवाल ये है कि दूर दृष्टि दोष में होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्टी में दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब कि दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख लेते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं। दूर की वस्तु तो दिखाई देती है ना, दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू? ये नज़दीक की वस्तु है, दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देती है ना, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, दूर दृष्टि उसी को बोलते हैं जो दूर की वस्तु को दिखाई दे दे लेकिन नज़दीक की वस्तु को दिखाई नहीं देता है ना, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है बाबू? 31 का आंसर बताइए, 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन कमेंट करके बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कमेंट करिए। याद रखिएगा, अवतल लेंस, निकट की वस्तु को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए अगर बेनिफिट है तो प्लीज़ इसे आप शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर का, हर टॉपिक का पूरा A to Z जितना अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है A to Z हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम तक चलते रहेगा, इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा। और ऐसे तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, क्रैश कोर्स का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो हम आपके लिए बनाए हुए हैं, बस उसको सिर्फ ध्यानपूर्वक देखिए, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का हम तैयारी करवा दिए हैं। बाकी रह गया लॉन्ग क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बोल रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी सर बता दीजिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको वीडियो में बता देंगे। याद रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको बता देंगे, बस यही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, और फालतू क्वेश्चन पढ़ने के लिए 6 क्वेश्चन बताएंगे, 6 क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें से 3 वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वेट करिए बता देंगे। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, कमेंट करिए बताइए। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा 32 का? देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस अगर प्रयोग करते हैं तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष में होता है क्या होता है, कमेंट करके बताइए। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कमेंट करिए और बताइए। देखिए, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस कब होगा बढ़िया, जब आप कमेंट करते हैं, तो बताइए जरा दृष्टि दोष में होता है। याद रखिएगा, ना दूर की और न ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ना दूर की वस्तु को देख पाएंगे और न ही नज़दीक की वस्तु को देख पाएंगे, ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या होगा। किस लेंस में जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, यानी किस लेंस से जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है बताइए? 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर क्या होगा बाबू?
किस लेंस से जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? याद रखिएगा, ड्यूफोकस लेंस। ड्यूफोकस लेंस से हम लोग जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ड्यूफोकस का मतलब होता है जिसमें दो फोकस हो, एक अवतल लेंस हो और दूसरा का उत्तल लेंस हो, यानी कि जिसमें दोनों लेंस लगा रहता है उसे हम ड्यूफोकल लेंस वाले लेंस बोलते हैं और इसी से हम जरा दृष्टि दोष को दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट है अबिंदुकता का निवारण करने के लिए लेंस का प्रयोग होता है। बताइए 35 का आंसर क्या होगा बाबू? 35 का अबिंदुकता के निवारण करने के लिए लेंस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अबिंदुकता किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसकी जो हमारे नेत्र गोलक होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसे हम अबिंदुकता बोलते हैं। ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है अबिंदुकता, और अबिंदुकता से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो उनको क्षैतिज को ऊर्ध्व दिखाई देता है और ऊर्ध्व को क्षैतिज दिखाई देता है, मतलब समतल को ऊंचा दिखाई देता है और ऊंचा को खाल दिखाई देता है, ठीक उल्टा होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं डंडा ले करके वो चलते हैं, टुआ टुआ करके चलते हैं, यानी कि ऐसा उनको लगता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, ना प्लेन पर भी जो चलेंगे तो ऐसे ठुक ठुक कर करके चलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो ग्रसित होते हैं उसे अबिंदुकता से बोल देते हैं, अबिंदुकता से वो ग्रसित माने जाते हैं। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता होती है, 36 का बताइए क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से ना बताइए। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता होती है, याद रखिएगा प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता जो होती है बीटा बाई अल्फा होती है। क्या होती है बाबू? बीटा बाई अल्फा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीटा जो होता है वो हमारे नेत्र के द्वारा किसी प्रतिबिंब के द्वारा हमारे आँख पर बना कोण होता है जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, और अल्फा जो होता है किसी वस्तु के द्वारा हमारे आँख पर बना कोण होता है। इन दोनों कोणों के अनुपात को हम लोग प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अतः कैपिटल एम बराबर बीटा बाई अल्फा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहे होंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए हम जो भी पढ़ाते हैं एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ बच्चे को समझ में आ जाए ये हम कोशिश करते हैं। चलिए बताइए 37 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होगा बाबू? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइए। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिए जो भी सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, आभासी एवं अत्यंत आवर्धित बनता है। याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी में जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है तभी हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख पाते हैं, तो ये तो होगा नहीं और सीधा होगा नहीं, सीधा बनेगा ना, ये होगा नहीं, ये सीधा बनेगा ही नहीं, आभासी बनता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, 38 का कमेंट करके बताइए 38 का आंसर क्या होगा। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, याद रखिएगा एल बराबर होता है वीओ प्लस यूए। वीओ जो होता है और इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ना, यानी कि जो अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक की जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो, और प्लस जो होता है आँख की वस्तु दूरी जो होती है वो, दोनों के योग को हम लोग क्या कहते हैं वो लंबाई कह देते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। मान लिया ये सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ये ओ है और ये ई है, तो बाबू ये एल जो होता है एल बराबर मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ वीओ होता है और ये होता है यूई,
तो VO प्लस UE होता है, याद रखिएगा VO प्लस UE, ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कह सकते हैं। अगर हम दूरदर्शी की लंबाई की बात करेंगे, दूरदर्शी की लंबाई, देखिए ये सब एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है इसलिए आपको ध्यान देना होगा। दूरदर्शी की लंबाई जो होती है FO प्लस AP होता है, यहाँ पर VO के जगह पर FO कर लेते हैं और UE के जगह पर हम AP कर लेते हैं। FO का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और FE का मतलब होता है आई लेंस की फोकस दूरी, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों के बीच की लंबाई निकल जाती है जिसे हम दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। और चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का दूर बिंदु आंख से उसके सामने 80 सेमी बनता है। U बराबर दिया हुआ है, U बराबर दिया है -80 सेंटीमीटर ना, और उसके आंख से सामने दूर बिंदु, उस वस्तु, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति का दूर बिंदु आँख से उसके सामने 80 सेमी पर है ना, ये वस्तु की दूरी होगी। करा अधिक दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगा, यानी कि हम P निकालना है। तो बाबू हम जानते हैं 1/V - 1/U = 1/F कर लेते हैं, तो बाबू ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 1/U यानी कि 80 ये प्लस हो जाएगा ना, ये 1/F, तो 1/F के जगह पर P करते हैं, 1/80 सेंटीमीटर में है तो ये मीटर करते हैं, ये बाबू काटते हैं। तो अगर हम 10 में 8 से डिवाइड करते हैं, 10 में क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि फोकस नेगेटिव होगा ये याद रखिएगा, तो 8 × 8 हो जाएगा और ये 2 × 5 ये डायप्टर, यानी कि -1.25 डायप्टर हो जाए, डायप्टर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो उम्मीद करते हैं कि ये 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करवा है जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र, लेंस तथा प्रकाशिक यंत्र और जो प्रिज्म है उससे रिलेटेड। तो ये अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसी तरह से हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, एग्जाम का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट में जा करके पूरा वीडियो जरूर देख करके रिवीजन करिए ताकि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स मिले। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।